दान किसी भी चीज का हो बहुत महत्व रखता है। अगर आप सच्चे मन से दान करते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। कल आपको बताया गया कि कलयुग में धर्म किस चीज से किया जाएगा? दान से। दान करने से हम आज के समय में धर्म को बचा कर रखते हैं। और देखिए, आप जितना दान करेंगे उतने पुण्य मिलेंगे। ऊपर जाने का मैंने कहा ना, कल के टिकट तैयार करना है, वो टिकट दान है, अच्छे कर्म है, सहायता करनी है लोगों की। और जब तक आपके पास धन है दान कर लो, जब बच्चों के पास चला जाएगा तो हाथ पकड़ लेंगे कि बस हो गया, चलो जितना करना था कर लिया। कहते ना, जड़ दिया ताला, बैठ गया रखवाला। कथा के दौरान थोड़ा पीछे रखिए, उसकी आवाज से ध्यान भटकता है। तो महाराज, ये दान का महत्व है। और क्या पता आपको दान करता देख ऐसे संस्कार आपके बच्चों में भी आएंगे। क्योंकि देखिए, सिर्फ पुण्य काम आने वाले हैं आगे जाकर। ये रिश्ते नाते, रिश्तेदार, परिवार कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ खड़ा नहीं रहेगा। सब जब तक आपके पास सुख के दिन हैं, अच्छे दिन हैं, धन इत्यादि है, तो सब आपके साथ खड़े हैं। ये सब गया तो कोई साथ नहीं खड़ा रहेगा। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धनवान, बहुत धनवान। कितनी कंपनियां चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है, वो सबकी बहुत सहायता इत्यादि भी करते थे। तो एक बार सेठ जी की बिल्ली मर जाती है। कौन मरता है? उन्होंने एक बिल्ली पाल कर रखी थी। तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? जोर से कही, बिल्ली। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। किसी की मृत्यु हो जाती है तो बैठक होती है ना, उन्होंने अपनी बिल्ली के मरने पर एक बैठक रखवाई थी। तो उस बैठक में पूरा गांव आता है बैठने के लिए। क्यों आता है? सेठ जी की नजर में आएंगे भाई, कि देखो मेरे दुख में आया है। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। ये संसार है। अब क्या करे जाकर? अब वो है ही नहीं देखने को कि वो सहायता करेंगे, कि भाई उनकी नजर में आएंगे। छोड़ो, यही संसार है। जब तक आप ऐसे हैं कि आप सहायता उनकी कर सकते हैं, तब तक वो सब आपके साथ रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि नहीं, अब कोई काम नहीं हो सकता, आपको छोड़कर चले जाते हैं। स्वार्थ के रिश्ते नाते हो गए हैं आजकल। तो हम जो पुण्य करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो सेवाएं करते हैं, वही हमारे साथ जाता है, और वही देखकर भगवान हम पर कृपा करते हैं। इस संसार में रहने के लिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, घर दिए, परिवार दिया, रिश्तेदार दिए, कि हमें कभी भी अकेला महसूस ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन सब के चक्कर में भगवान को भूल जाए, क्योंकि ये सब अंत में आपका साथ नहीं देंगे। कई रिश्तेदार ऐसे होते, किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय बड़ा रोते हैं, कहते हैं कि भाई उसे क्यों ले गए, उसके बदले हमको ले जाते। सच में उस समय यमराज नीचे आके बोले, ठीक है नहीं ले जाऊंगा, चलो कितने जाने को तैयार होंगे? होगा कोई तैयार? सब बोलने की बातें होती। एक छोटी सी कविता सुनाती हूं आपको, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। कविता कहिए या गाना कहिए, सुना सभी ने होगा, पुराना है।
जब सुना तब शायद मनोरंजन के लिए सुना होगा, तब इतना ध्यान नहीं पड़ा, तब उस समय मेरा भी इतना ध्यान नहीं पड़ा था। लेकिन जब आज का समय देखते हैं हम, आज के लोगों को देखते हैं, जिस प्रकार रिश्ते हो गए हैं, भरोसा जिस प्रकार का आजकल हो रहा है, तब लगता है कि वो गाना या वो कविता एकदम सटीक बैठती है उस बात पर या आज के संसार पर। क्या कसमे वादे प्यार वफा सदे, बातें हैं बातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा सदे, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठ, कोई किसी का नहीं ये झूठ, नाते हैं नातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। भगवान बार बार दुखों को भेज कर, ये दुख संकट क्या होते हैं आपके जीवन में, आपको सीख देने के लिए होते हैं, सही रास्ता दिखाने को होते हैं। तो भगवान बार बार दुखों को भेज कर, संकटों को भेज कर, संतों को भेज कर आपको समझाते रहते हैं सही रास्ता कौन सा है, तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। पर हम गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं आंखें बंद कर कर बिल्कुल। तो देखिए कितनी अच्छी बात, कब आज का समय देखकर बात कब लिख दी गई। कहते हैं होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमे वादे प्यार बाते हैं बातों का। और जैसा मैंने कहा संसार कैसा है, सुख में आपके साथ रहते हैं, दुख में आपको छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे आपका साथ छोड़कर जाएंगे या आपको धोखा देंगे जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे जाएगा या ये मेरे पीठ पीछे ऐसे कार्य करेगा। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप क्या उम्मीद लगाते हैं ऐसे लोगों से, एक बात बताइए, कितने व्यक्ति समझते हैं या जानते हैं या मानते हैं कि भगवान हर जगह से हमें देख रहा है, कौन कौन मानता है ये बात, हाथ उठाना, फिर भी गलत काम करते हो, जानते हुए वो हर कोने से देख रहा है, हर चीज का हिसाब होने वाला है, फिर भी गलत काम करते हैं, तो कि लोग कैसे हो गए आजकल ये जानते हुए कि भगवान हर जगह है, तो देते हैं भगवान को धोखा, कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमे वादे
प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का प्यार, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये सब कहने का अर्थ ये नहीं कि रिश्ते तोड़ कर बैठ जाओ, नहीं, जब गृहस्थ में रह रहे हैं सब निभाने पड़ते हैं, पर बार बार बात एक ही है, इनका सच जान के रहो। भगवान कहते संसार में रहना गलत नहीं है, पर इसको सच मान के रहना गलत है। सबको पता है एक ना एक दिन मृत्यु आनी है, हर किसी की आनी है, लेकिन जब आती है तब कैसे अवाक रह जाते हैं, ये कैसे हो गया, हो गया मतलब क्या, पता नहीं था होने वाला है। भगवान कहेंगे मैंने हर बार बताया, मैंने तो कोई लिमिट दी नहीं है कि भाई 60-70 लेकर ही चलना, इतने तक ही मृत्यु आएगी, मैंने तो कहा दूसरे पल क्या होगा तुम्हें नहीं पता, किसी पल कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, लेकिन हम कैसे चौंक जाते, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, सब तो पता था होने वाला है। तो जब हम सच भूल जाते हैं ना तब ऐसा होता है, जब सच पता होता है, अब रिश्तों में बिल्कुल तरीके से मोह में पड़ गए हो, भरोसा कर लिया, फिर वो धोखा देगा तो रोने बैठ जाएंगे, जिंदगी खराब हो गई, बिखर गए, टूट गए, कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों, पहले ही समझ लेते कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन धोखा देगा। ये बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर व्यक्ति आपको एक ना एक बार धोखा देगा, हर व्यक्ति, लेकिन धोखा अलग अलग हो सकता है। कई बार आप सोचेंगे व्यक्ति खराब नहीं है तो उसका जीवन आपको धोखा दे जाएगा, बहुत प्रेम हो गया उससे, उसका अंत समय आ गया, अब आप तो उस पर निर्भर थे पूरी तरीके से, वो गया, उसके जीवन ने आपको धोखा दे दिया, पर धोखा तो हर व्यक्ति एक ना एक बार देगा। तो या तो उसके लिए तैयार रहो और या फिर इंतजार करो, जब दे तो हम टूटे, हम बिखरे, हम रोए। भगवान हर बार यही समझाते हैं, संसार में रहना गलत नहीं है, पर इतने मत पड़ जाओ कि फिर जब असलियत सामने आए तो अपने आप को संभाल ही ना पाओ। ये याद रखो, सहारा तो एक ही देगा, वो भगवान है, उसके अलावा और कोई सहारा नहीं देने वाला, सच्चा तो वही है और जीवन भर साथ भी वही देगा। इसीलिए कहा जाता है दुख में भगवान की याद आती है, सुख में किसी को भगवान याद, भगवान ऐसे ही थोड़ी ये बात कही जाती है कि भगवान सुख में साथ नहीं रहते, दुख में आ जाते हैं, क्योंकि सुख में हम ही याद नहीं रखते उनको, हम अपने उत्सव मनाने में, उसको सेलिब्रेट करने में कि भाई खुशियां जीवन में आई है, कोई भगवान को याद नहीं करता। दुख में सबको बड़े भगवान की याद आती है, मंदिरों में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान रक्षा करो रक्षा करो, और जो काम हो जाता है तब भूल गए भगवान को। ये नहीं करना है,